नमस्कार साथियों, मेरा नाम क्लोरीन है। लोग मुझे Cl2 के नाम से भी पुकारते हैं। मेरे जन्मदाता हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसे आप MnO2 के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। मेरा जन्म सन 1774 में हुआ। मिस्टर शीले ने मेरे जन्म के समय मुझे पहचाना और मेरी देखभाल की। मुझे लगता है मैं थोड़ी भारी हूँ, पर ज्यादा तो नहीं, हवा से सिर्फ 2.5 गुना अधिक ही तो हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरी बहनों के नाम फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं। सन 1869 में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने मुझे अपनी आवर्त सारणी नामक कॉलोनी में ब्लॉक पी के कमरा नंबर 7 में रहने की जगह दी। मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ पसंद करती हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। आपको पता है, मेरे गुणों के आधार पर मुझे अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। मैं सरल स्वभाव की हूँ, ना मैं जलती हूँ और ना जलाती हूँ, लेकिन लोगों का मानना है कि मैं स्वभाव से जहरीली हूँ। मैं जहरीली हूँ तो क्या, जब मैं पानी से मिलती हूँ तो क्लोरीन जल बना देती हूँ। लोगों को तब मेरी उपयोगिता का एहसास होता है। लिटमस पत्र और रंग बिरंगे फूलों का तो रंग मुझे देखते ही उड़ जाता है। पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों घबराते हैं। एक बात बताऊं, मुझे एक तत्व से प्रेम है। नाम जानना नहीं चाहेंगे? आप उसे हाइड्रोजन के नाम से बुलाते हैं। आज भी जब हम दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से बंध बनाने दौड़ पड़ते हैं। जब सन 1789 में मेरा नाता शुष्क बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक से जुड़ा, हम दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर को जन्म दिया। आप इसे CaOCl2 भी बुलाते हैं। यह बहुत उपयोगी रसायन बना। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, पेपर कारखानों, लॉन्ड्री, रासायनिक उद्योग में बहुतायत से होने लगा। वैसे मैं अपने मुंह मिया मिट्ठू तो नहीं बनना चाहती, पर फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि आप मेरी उपयोगिता को सराहेंगे जरूर। मैं कहां कहां नहीं उपयोग में लाई जाती। अस्पतालों में प्रतिरोधी के रूप में, पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में, पेपर, प्लास्टिक, वस्त्र, दवाई, पेंट इत्यादि उद्योगों में काम में लाई जाती हूँ। ओह साथियों, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। अरे, जाने से पहले आपको बता दूँ, मेरे घर का पता कुछ बदल गया है। आप मेरा नया पता लिख लीजिए। ब्लॉक पी, कमरा नंबर 17, नई आवर्त सारणी। जब भी मन हो चले आइए। चलिए, रसायन प्रयोगशाला में फिर मुलाकात होगी। अभी मैं चलती हूँ। नमस्कार।